काफ़ी सुलझी हुई लड़की है, काफ़ी लिबरल सोच रखने वाली लड़की है, हालांकि उसके कपड़े जो है काफ़ी ट्रेडिशनल है, वो ज़्यादातर बुरखे में नज़र आती है। मेरा कैरेक्टर जो है मतलब जो है वो बहुत लिबरल सोच वाली है, और जो इस फिल्म का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है रब्बी, उसका गर्लफ्रेंड है, देखा जाए तो उसकी कज़न है, और मुसलमानों में ऐसा होता है कि अपनी कज़न सिस्टर से भी शादी होती है, तो उसे पता है कि शायद कभी रब्बी के साथ इसका शादी होगा, तो वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, देखा जाए तो सपोर्ट सिस्टम हैं, एक दूसरे को बहुत एनकरेज भी करते हैं। आफिया जो है बच्चों को कुरान पढ़ाती है। ओके, तो ये मूवी करने से पहले बाबू मोशे साइन की थी या बाद में? ये मूवी मैंने पहले किया, पहले हाँ। उसके बाद नवाजुद्दीन के साथ, तो व्हाट इज नेक्स्ट, मतलब आप कौन से आगे कोई प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना चाह रही हैं, मतलब साइन किया है या करने वाली हैं? एक्चुअली मैंने बहुत ही मतलब सोशल सब्जेक्ट्स पे, सोशल रेडी रेडी मैंने बाबू मशा ये बंदूकबाज शूटिंग से पहले भी कुछ सोशल इश्यूज पे कुछ अच्छे फिल्म्स किए हैं, और उसके बाद भी दो तीन और फिल्में किए हैं, तो अभी है कि बाबू मशा बंदूकबाज हिट हो चुकी है, तो मेरे भी मेरा भी जो है खाता खुल गया है, अब एक के बाद एक रिलीजेस होंगे, जो एक अच्छी बात है। तो दूसरे फिल्मों से तो अलग है, आपको पता है कि मैं हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग किरदार निभा रही हूँ, अगर बाबू मोशे बंदूकबाज का फुलवा देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। इस फिल्म में जो मैं आफिया का किरदार निभा रही हूँ, आफिया जम्मू की लड़की है और बहुत उर्दू जो है उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करती है, और राहत काजमी जी खुद एक शायर हैं, गाने भी लिखते हैं, फिल्म भी लिखते हैं, तो उनका जो है ना बात करने का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस फिल्म में मैंने कोशिश किया है कि अगर वो स्टाइल थोड़ा रखूँ, वो जो स्टाइल से बात करते हैं वो थोड़ा रखने की कोशिश किया है मैंने। और ये भी कहना चाहूँगा कि हाल ही में आपने कहा था कि इंडस्ट्री में लोग क्रिएटिव टैलेंट को वैल्यू करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब और किसी पर्पज़ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देते, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी देखिए, इंडस्ट्री देखा जाए तो इस हिसाब से बहुत फेयर है, अगर जो मतलब ज़्यादातर लोग अपने जो है टैलेंट या काम के लिए जाने जाते हैं, अगर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, स्पेशली अगर फिल्म में अगर आपकी फिल्म आपके परफॉर्मेंस पे आपके बलबूते पे नहीं चली, तो आपको बहुत जल्दी होता है कि इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा, तो इस इंडस्ट्री को स्टार से ज़्यादा एक्चुअली एक्टर्स की पहचान है, एक्टर्स को भी मानते हैं, जो भी बड़े स्टार्स देखा जाए तो वो अपने एक्टिंग के बलबूते पे ही अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, तो ये हर किसी के लिए लागू होता है। थैंक यू। लेकिन फिर भी चली अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊंगा, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, छोटी छोटी अरे हूँ, और बेसिकली पहले फिल्म का नाम कुछ और था जो कि बदल करके रब्बी कर दिया की कहानी है, बड़ा बंदा है जो किस तरीके से अपने चाहता है, किस तरीके से मुसीबतों में पढ़ता हुआ चला जाता है, बेसिकली वो चाहता था किसी तरीके से उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, वही कि हम सब तो छोटे छोटे से टूल्स हैं, वो किस तरीके से उसकी कहानी को बिल्डअप करते हुए चले जाते हैं। सर ये भी इंटरेस्टिंग सर, ये भी काफ़ी दिनों से आप एक्टिंग कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है आज के दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं अगले? थोड़ा देखिए एक चेंज तो आया है, बहुत सारा चेंज आया है, पहले भी था ऐसे अच्छा सिनेमा बनता था, लेकिन बीच में फिर एकदम गायब हो गया था अब आज तक, लेकिन नेवर फॉरगेट श्याम बेनेगल को भी लेलानी इस तरीके के नामों का मिला, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो दौर एक बार ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी फिर दोबारा से एक बार ये दौर आया है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है सुधीर मिश्रा को, राग कश्यप को, राहत काजवी को, राहत का विराज रवि नया नया वो करता है, इस तरीके के बहुत सारे नए जो डायरेक्टर सारे बड़ा अच्छा काम करते हैं, एक नई किस्म का सिनेमा बन रहा है, वो बड़ी अच्छी बात क्या है कि उसके लिए एक व्यूअर्स भी है,
तब पहले व्यूअर्स नहीं थे, सिर्फ NFDC ही चलाती थी और NFDC की भी कोई लिमिटेशंस थी, पता नहीं क्या लिमिटेशंस थी उनके चलता था, लेकिन अभी चीज़ों में थोड़ा सा चेंज जा रहा है, सिर्फ को व्यूअर मिल रहा है, ऑडियंस मिल रही है, बहुत अच्छी बात। सर लास्टली ये पूछना चाहूँगा, कैरेक्टर रोल जो प्ले कर रहे हैं, जैसे नवाज की बात ले लें, आज लीड रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना पॉजिटिव स्टेप है? भाई अच्छे एक्टर्स को काम तो मिलेगी, दूसरी बात आप देख लीजिए वो चीज़ें चली गई, किसकी क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, अभी सब बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया, कितनी अच्छी कहानी है और आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस पर थोड़ा सा सिनेमा लौट के आने लगा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ एक स्टार ऑडियंस एक फिल्म थी, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अभी ये है कि आप एक अच्छा सा, अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आप कुछ दिखाने को आपके पास कुछ है और आपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है और अच्छी परफॉर्मेंस है तो लोग उसको लाइक करने लगे, इसीलिए आप देख लीजिए इस तरीके की फिल्मों की जगह बनने लगी, छोटी फिल्मों की लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक्स सर। रब्बी जो है बड़ा, जैसे कहते हैं, बड़ा पेचीदा किस्म का इशू है, जो जिस पर शायद यहाँ पर किसी ने कभी टच नहीं किया होगा, मुस्लिम सोसाइटी की कहानी है, जैसे मुस्लिम सोशल कह सकते हैं, जो एक म्यूजिशियन की कहानी है, एक लड़का है, एक मुस्लिम लड़का है जो गाना बजाता है, गिटार बजाता है, उसको गाने का शौक है और कभी कभी जाके वो जगरातों में माता के गाने भी गा लेता है, तो क्योंकि एक म्यूजिशियन का कोई जो है वो बड़ा वो कंजर्वेटिव नहीं होता, किसी जैसे दायरे के अंदर बंद नहीं होता है, तो लेकिन उसके जो फादर हैं वो 5 वक्त के नमाजी हैं और उनके दिल में ये बड़ा डर रहता है कि मेरा बेटा कहीं काफिर ना हो जाए गाना बजाने से, क्योंकि वो जो एक हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है उसका जो कि जैसे कह सकते हैं कि वो फादर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरह से मतलब वो एक फादर सन की दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं और वहीं वो लड़का जो है उसकी आइडियोलॉजी, जहाँ पर एक तरफ ये हमारी बीइंग अ मुस्लिम, मुझे लगा कि ये इशू मुझे टच करना चाहिए, इस तरह की फिल्में पाकिस्तान में खुदा के लिए फिल्म बनी थी या बोल बनी थी, पूरी दुनिया में वो फिल्मों ने बड़ा धूम मचाया और इनफैक्ट वो फिल्म देखकर मुझे भी मेरी आंखें खुल गई, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ऐसी फिल्में ईरान में बहुत बनी है बट हिंदुस्तान में नहीं है, तो मुझे ये लगा कि आज के टाइम पर ना एक रिलीजन एक बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है इंसान का, पूरी सोसाइटी के अंदर, जबकि रिलीजन मेरे हिसाब से जो है वो इंसान को इंसान बनाने के लिए है, कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन की आप बात कर लीजिए, कोई रिलीजन कभी गलत टीचिंग नहीं करता, बट उनका इंटरप्रिटेशन इतना सारा रिलीजियस पॉलिटिक्स है कि हर आदमी अपने रिलीजन को सही बताने में जो है उसमें जुटा हुआ है, क्योंकि वो जो रिलीजन के ठेकेदार होते हैं उनको लगता है कि हम कहीं कमज़ोर ना पड़ जाएँ, हमारा मज़हब कहीं छोटा ना लगने लग जाए और दूसरा आगे ना निकल जाए, ये एक दौड़ लगी हुई है, और उस सब के बीच में हम इंसानों को दुनिया में क्यों भेजा गया है, हमारे जीने का मकसद क्या है, हमें कैसे एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए, वो सब भूल गए हैं हम लोग। आज के दौर में आप देखिए लोग सड़कों पे एक दूसरे को मार डालते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जानवरों के लिए इंसानों को मार दिया जाता है, तो मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, तो मुझे वो लगता है कि ये, और इस फिल्म के अंदर भी वही एक आइडियोलॉजी है कि जो फादर है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर घर में TV भी चला दो तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, बेटे का गिटार देख के तो उसका खून जलता है, वो एक बार गिटार तोड़ भी देता है उसका, बट एक पॉइंट पे आके उसको पता चलता है कि वो मरने वाला है, फादर को जब ये पता चलता है कि उसके उसकी ज़िंदगी थोड़ी बची है, उसको कुछ बीमारी है, तब उसे जीने की कदर आती है, फिर कैसे वो मरने से पहले आखिरी बार फिल्म देखने थिएटर में जाता है और उसको डर होता है कि पता नहीं मैं फिल्म देखूंगा तो ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा, तो उसकी बीवी कहती है कि खुदा इतना ज़ालिम नहीं है, या हमने उसको ऐसा बना दिया हुआ है कि वो हम गाना सुन लेंगे तो हमें मार देगा, हम ये कर देंगे तो मार देगा, इसके साथ मिल लेंगे तो वो मार देगा, तो खुदा तो ऐसा नहीं है, उसने हमें पैदा किया है, हम उसके बच्चे हैं एक तरह से, हम देखा जाए तो जैसे माँ बच्चे को पैदा करती है, तो खुदा कह लीजिए, जो भी आप जिस भी नाम से पुकार लीजिए, गॉड कहिए, कुछ भी कहिए, तो कैसे हो सकता है कि वो किसी को गाना सुनने पर मार देगा, किसी को ये करने पर मार देगा, किसी को मीट खाने पर मार देगा, तो ये जो है ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक ह्यूमन जो है ना बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम टेररिज्म नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जो है मैं कहता हूँ कि राइट्स होना भी नहीं है बड़ा, ये तो बड़े प्रॉब्लम सबको पता है ये गलत है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर के जो मिथ हैं ये अगर ख़त्म होना तो हम जीना सीख जाएँ किसी तरह से, हम ज़िंदगी को जी नहीं पाते क्योंकि हम बंधे हुए हैं, शनिवार को हमारा ये है, फ्राइडे को हमारा वो है, ट्यूसडे को हमारा ये है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने पूरे उस वीक के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया है, हमने कभी ये सोचा कि हम किसी और दूसरे बंदे का भला कर दें, हमने कभी किया है, हम करते भी हैं तो उसके पीछे भी हमारा एक मोटो होता है, हम किसी को 10 रुपये देते हैं
तो हमें ये लगता है कि यार ये तो हमारे अकाउंट में लिख दिया होगा ऊपर वाले ने, इसका हमारा रिटर्न वापस आएगा। तो हम कितने सेल्फिश सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम कितने सेल्फिश हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ चढ़ावा लेके जाते हैं, VIP की लाइन अलग होती हैं, 50 रुपये वाले की लाइन अलग है और 200 रुपये वाले की लाइन अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब 21वीं सदी में इन चीज़ों से निकल कर हमें जो है जीना सीखना चाहिए। तो ये ज़िंदगी कहीं ना कहीं ये कोशिश है ये फिल्म जो है कि हम किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमें छोटे छोटे मोमेंट्स में ज़िंदगी होती है उसी के बारे में।